कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से लगातार ये जो मसला है उसके बाद कनाडा मुश्किल में नजर आएगा। 34,000 करोड़ रुपए का सामान जो भारत से कनाडा पहुंचा है, कनाडा से जो भारत सामान आया है उसका देखिए 35,000 करोड़ रुपए का वो सामान है। तो देखिए कनाडा की जो निर्भरता है वो भारत पर ज्यादा है। ये जो आंकड़ा है ये वित्त वर्ष 2023 का है जो बताता है कि कनाडा की मुश्किलें बढ़ेंगी ज्यादा, क्योंकि कनाडा ज्यादा निर्भर है भारत पर। आगे देखिए किस तरीके से भारत से जो एक्सपोर्ट होता है वो सामान क्या है, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग का सामान, लोहा और स्टील, ये जो है ये एक्सपोर्ट होता है। जो भारत में इंपोर्ट होता है वो देख लीजिए, दाल है, न्यूज प्रिंट है, कोयला, फर्टिलाइजर, वुड पल्प, एल्यूमिनियम, खेती का सामान, बागवानी का सामान, ये भारत में कनाडा से इंपोर्ट होता है और ये वो सामान है जो भारत से कनाडा में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर ये जो निर्भरता है ना ये कनाडा की भारत पर ज्यादा है। इसी को लेकर आगे सवाल बढ़ाएंगे और अभिषेक भी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक सवाल ये कि जिस तरीके से निवेश की जो हम बात करते हैं, निवेशक की अगर बात करें तो उन पर कितना असर पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं ये तो कम से कम यही बताता है कि कनाडा ज्यादा निर्भर है भारत पर। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, हमको जो सबसे इसमें देखने वाली बात है इसकी जड़ में जाना जरूरी होगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और उसकी वजह जो अभी आशीष शारा कर रहे थे वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमको समझना होगा। वहाँ पर दो मुख्य पार्टियाँ हैं, लिबरल और टोरी यानी कि कंजर्वेटिव। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, डिसअप्रूवल रेटिंग उनकी 66% तक पहुंच गई है। आप सोचिए कितनी उनकी सरकार वहां पर इस समय अस्थिर हो चुकी है, उनको ऐसे में इस तरह का सेंटिमेंट सुधारना पॉलिटिकली सूट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि उनकी बात पर खुद वहां का अपोजिशन यकीन नहीं कर रहा है। वहां के जो टोरी पार्टी के मुख्य लीडर हैं पीरे, उन्होंने क्लियर कहा है कि आप सबूत तो दीजिए जो भारत के बारे में आप कह रहे हैं इंडियन एजेंट्स ने, क्या उसका एक भी तथ्य सामने रखिए। आपने कोई तथ्य सामने नहीं रखा, और ये फैक्ट है, ना कोई चार्जशीट हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। वहाँ की फॉरन वहाँ की प्रेस बिलीव नहीं कर रही है, वहाँ का अपोजिशन बिलीव नहीं कर रहा है, आपकी डिसअप्रूवल रेटिंग आपकी बढ़ती जा रही है, और इस सबको आप डाइवर्ट करने के लिए ये जो है जो वहाँ का जो सिख कमिटी है उसके वोट बैंक को ल्योर करने के लिए इस मुद्दे को उभार रहे हैं। इसका असर निश्चित तौर पर पड़ रहा है, ट्रेड पर पड़ रहा है, और वो भी उनको ही नुकसान हो रहा है, और इसीलिए वो घरेलू तौर पर जो आपने अभी अभी जिक्र किया कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो गिर रही है, क्या यही वजह है कि खालिस्तानी के प्रति जो प्रेम है वो उनका नजर आ रहा है? 2025 में तो चुनाव भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।